myself, Yuvraj. Once again, you all are welcome to our learning platform, The Resolution, where you can ask and learn. So, दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे UPSC Pre 2019 का क्वेश्चन पेपर. इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि यह क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में आएगा, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस पर ईच वीडियो आपको मिलेंगे. तो पहले इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन ये रहा, विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस. सेकंड, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB. थर्ड, AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया. तो हमें इन नीचे दी गए ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. इसमें से सही ऑप्शन होगा पहला, मतलब ए वाला ऑप्शन ये रहा. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं AIIB का लोगो, और इसका हेडक्वार्टर इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हेडक्वार्टर जो है चाइना के अंदर बीजिंग शहर के अंदर है, ये रहा. और इसके फाउंडिंग मेंबर्स के नाम यहाँ दे रखे हैं. ये सभी जो हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं AIIB बैंक के. दोस्तों, AIIB एक डेवलपमेंट बैंक है जो कि लोन देता है कुछ एक सेक्टर्स में, जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, अर्बन कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इसमें ऑल ओवर 97 मेंबर्स हैं टिल डेट. 25 दिसंबर 2015 को इसने स्टार्ट वर्किंग करना शुरू किया था. 25 दिसंबर 2015 को यह काम करना शुरू किया था. और चाइना जो है वह इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है. आज के टाइम में चाइना जो है ये वाला यह सबसे बड़ा शेयर होल्डर है AIIB का. ठीक है, तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय द इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देखिए, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट यह एक तरह का एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया था इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में अभी फिलहाल में. आगे देखते हैं. तो लेसन दी इसकी यहाँ पर भी बताया गया है कि इसका पर्पस क्या था, इस एग्रीमेंट का साइन करने का पर्पस क्या था, वह पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में. पहला है, टू लेसन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेरेनियल बर्डन ऑफ फिसल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. मतलब इंडिया की गवर्नमेंट पर जो पेरेनियल बर्डन है फिसल डेफिसिट का और करंट अकाउंट डेफिसिट का, उसको कम करने के लिए यह इसका पर्पस हो सकता है. या फिर टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या यह है इसका पर्पस है. या फिर टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर लोन ऑफ रुपीज 50 crore और मोर. इंडिपेंडेंट रेगुलेटर मतलब एक अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला रेगुलेटर जो है 50 करोड़ या उससे ऊपर के लोन्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के रूप में यह काम करेगा. यह इसका पर्पस था इंडिपेंडेंट इसका इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का. चौथा ऑप्शन है, टू एम एट फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ रुपीज 50 crore और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग. देखिए, कंसोर्टियम लेंडिंग का मतलब होता है, ये जो कंसोर्टियम लेंडिंग शब्द दिया गया नीचे, इसका मतलब होता है संघ उधार. मतलब एक ग्रुप है, एक संघ है किसी भी इंस्टीट्यूशन का,
वो इकट्ठे अगर एक साथ उधार लेते हैं उसको कहते हैं कंसोर्टियम लेंडिंग। तो चौथा पॉइंट यह कहता है कि एक फास्ट ट्रैक तरीका बनाया जाए या समाधान निकाला जाए जिससे कि जो तनावपूर्ण जो परिस्थिति है वह 50 करोड़ या ऊपर से लोन ऊपर इससे ऊपर के लोन की जो तनाव आया हुआ है उसे कम किया जाए। ठीक है, इसमें से इसका आंसर आएगा डी, यह है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके चेयरमैन कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं या किन के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है बैंक बोर्ड ब्यूरो, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, तीसरा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चौथा है मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बी। यह एक ऑटोनॉमस बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की जिसे बनाया गया है इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक की गवर्नेंस को, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक की जो गवर्नेंस होती है उसका चलाने का जो वे है उसको उसकी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए। 2016 फरवरी के अंदर, फरवरी 2016 के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट ने इसका प्रपोजल अप्रूव किया था और अप्रैल 2016 के अंदर इसका फंक्शनिंग जो है वो शुरू हो गया था। अभी करंटली इसके चेयरमैन जो है वो है भानु प्रताप शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि पीएनजीआरबी क्या पहला रेगुलेटरी बोर्ड है, बॉडी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। दूसरा, वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजीआरबी इज टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स ऑफ गैस। कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है गैस के लिए अलग अलग कंपनीज जो हैं उसको एक सही तरीके से चलाए रखना, एंश्योर करना, क्या वह इसका काम है पीएनजीआरबी का। अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ पीएनजीआरबी, पीएनजीआरबी जो डिसीजंस लेता है उसके अगेंस्ट अपील जो की जाती है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बना हुआ है उसके अंदर की जाती है। इन चारों में से सही ऑप्शन बताना है। सबसे सही ऑप्शन है बी, मतलब सेकंड और थर्ड जो ऑप्शंस हैं वह सही आएंगे इसमें। देखिए पीएनजीआरबी जो है यह बनाया गया था कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि इंक्लूड थे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या नेचुरल गैस सेक्टर्स के अंदर। पीएनजीआरबी को बनाया गया था द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत, और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है यह वाला जो ट्रिब्यूनल है जिसके अंदर अपील दायर की जाती है पीएनजीआरबी के अगेंस्ट, उसके डिसीजंस के अगेंस्ट वह बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था अंडर सेक्शन 110 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। यहाँ पीएनजीआरबी का लोगो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रिफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एलटीई लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वोल्टी। LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G. LTE is data only technology and VoLTE is voice only technology. इन दोनों में से सही ऑप्शन बताना है हमें। तो सही ऑप्शन दोस्तों इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, नाइदर वन एंड टू, इन दोनों में से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। आपने यह लोगो देखा देखा होगा अपने एंड्रॉयड मोबाइल्स के ऊपर, यहाँ पर वोल्टी लिखा हुआ है
देखिए जो LTE जो कनेक्शन नेटवर्क है, LTE मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी भाषा में कहें तो LTE इज अ टर्म यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ 4G नेटवर्क दैट डिलीवर्स द फास्टेस्ट मोबाइल इंटरनेट एक्सपीरियंस, वेयर द VoLTE इनेबल्स वन टू मेक कॉल्स ओवर द LTE नेटवर्क। इट अलाउज होम्स डायलर टू प्लेस कॉल थ्रू इंटरनेट एंड सेंड वॉइस एंड डाटा ओवर द नेटवर्क। मतलब VoLTE जो नेटवर्क है, इसके अंदर आप नेट का यूज कर सकते हैं वॉइस को भेजने के लिए और डाटा को भेजने के लिए। देखिए, अगस्त 2002 में, सॉरी 2012 में मेट्रो पीसीएस एक कंपनी है जिसने लॉन्च किया था वर्ल्ड का सबसे पहला कमर्शियल वोल्टी नेटवर्क लॉन्च किया था, जो कि डलास में किया था। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप देख सकते हैं आप यहाँ पर टेक्सास है, ये रहा टेक्सास के अंदर एक डेलास नाम का कंट्री है जिसके अंदर इन्होंने लॉन्च किया था। दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। मैटरनिटी बेनिफिट मतलब जो मादाएं गर्भावस्था में होती हैं और जॉब कर रही होती हैं, उनके लिए एक एक्ट बनाया गया था ताकि कुछ एक उनको बेनिफिट्स मिल सकें। आइए देखते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव्स। एंटरप्राइजेस विद क्रैचेस, क्रैचेस का मतलब होता है गर्भगृह, ऐसी जगह जहां पर शिशुओं को रखा जाता है, नवजात शिशुओं को, और उनकी माताएं उन्हें दिन में 6 टाइम विजिट कर सकती हैं। वुमेन विद टू चिल्ड्रंस गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स। इसका मतलब यह है कि ऐसी महिलाएं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं या 2 बच्चे होते हैं, उन्हें कम सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनमें से सही कौन सा है अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग? ठीक है, इनमें से सही ऑप्शन होगा सी, थर्ड। सिर्फ थर्ड वाला जो ऑप्शन है वह सही है। चलिए मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो वुमेन एम्प्लॉयज होती हैं, उन्हें 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव दी जाती है, और उन गर्भवती महिलाओं को जिनको 2 से अधिक बच्चे या 2 बच्चे होने की संभावनाएं होती हैं, उनको 12 सप्ताह की पेड मैटरनिटी लीव दी जाती है। पेड दी जाती है मतलब वुमेन विद टू चिल्ड्रंस आर गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स, मतलब उन्हें जो हक दिए जाते हैं, एंटाइटलमेंट्स का मतलब हक हक दिए जाते हैं, वह 2 या 2 से अधिक बच्चे होने के कारण वह हक कम कर दिए जाते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। एंटरप्राइजेस विद क्रैचेस मतलब ऐसे वर्किंग पॉइंट जहां पर गर्भगृहों की सहूलियत उपस्थित है, वे गर्भवती महिलाओं को कम से कम एक दिन के अंदर 6 विजिट जरूर दें, पर यह सही नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर क्रैच फैसिलिटी के विजिट करने की जो टाइम लिमिट है वह 4 टाइम्स है, ना कि 6 टाइम्स, 4 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
not a sub-index of the World Bank Ease of Doing Business. देखिए, World Bank जो है, वह एक इंडेक्स निकालता है जिसका नाम है Ease of Doing Business Index. इसके अंदर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उसके सब इंडेक्स कौन से हैं, मतलब कि क्राइटेरिया और कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पर यह इंडेक्स निकाला जाता है. पहला पॉइंट देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पेइंग टैक्सेस, रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स. ठीक है, इन चारों में से सही ऑप्शन बताना है. तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. यह इंडेक्स जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, यह क्या शो करता है कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसके अंदर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस. ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस और उन कंट्रीज की इकोनॉमी, इनके बीच में कितना गैप है, और इस गैप को डिसाइड करने के लिए इस इंडेक्स के अंडर 10 इंडिकेटर्स या फिर कह सकते हैं 10 क्राइटेरिया इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें से पहला है स्टार्टिंग अ बिजनेस, दूसरा डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, तीसरा गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ गेटिंग रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डर्स, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड लास्ट रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन, दिवालियापन का समाधान निकालना, यह इसका मतलब है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी का. तो यह हो गए 10 क्राइटेरिया जो कि इंक्लूड होते हैं सब इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर. इसका आंसर देख सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन 10 सब इंडेक्सेस में नहीं इंक्लूड है. तो यह हमारा आंसर होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, In India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? इनमें से किस ऑप्शन में extended producer responsibility introduce की गई थी? The biomedical waste management and handling rules 1998, the recycled plastic manufacturing and usage rules 1999, e-waste management and handling rules 2011. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011. देखिए, इसमें सही आंसर होगा ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011. 2011 में जो रूल्स निकाले गए थे उसके तहत अगर कोई प्रोड्यूसर कुछ ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रोड्यूस करता है, उसे रिसाइकल करने की और उसे रिड्यूस करने की लाइबिलिटी प्रोड्यूसर की होती है, मतलब उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो उसे रिसाइकल भी करे और रिड्यूस भी करे. So let's move to our next question. देखिए, इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझेंगे. इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स कुछ भी अनाज खरीदा जाता है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो अनाज खरीदा जाता है उसकी कॉस्ट जो होती है वह इक्वल्स टू होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के प्लस बोनस की, जो कि फार्मर्स को पे किया जाता है. किसके द्वारा? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन. देखिए, जो भी इकोनॉमिक कॉस्ट होती है किसी भी अनाज की या किसी भी प्रोडक्ट की, वह तीन मेन कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड की जाती है. जैसे कि सबसे पहला होगा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, सेकंड होगा प्रोक्योरमेंट प्राइस, एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. तीन मेन कंपोनेंट जो हैं इकोनॉमिक कॉस्ट के, वह होंगे प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है
कुछ भी खरीद जो की जाती है, भले ही वो किसी प्रोडक्ट की हो, किसी अनाज की हो या किसी भी चीज़ की हो। अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स, ये है क्या चीज़ होती है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स आर द इनिशियल कॉस्ट इंक्योर्ड ड्यूरिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब जब भी किसी भी अनाज की खरीद की जाती है, फूड ग्रेन्स की को खरीदा जाता है, तो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है जो हम किसी विक्रेता को देते हैं, वो प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स कहलाई जाती है। मतलब खरीद फरोख्त, हिंदी में इसका मतलब होगा खरीद फरोख्त। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की। तो यहाँ देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर 5 पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहला है फ्राइट। फ्राइट मींस भाड़ा दिया जाता है किसी भी माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जो भाड़ा दिया जाता है उसे फ्राइट कहते हैं। हैंडलिंग चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बीच में अगर कोई लॉस होता है तो उसे लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट भी दिया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, उस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, उस पूरे सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए जो कॉस्ट इंक्लूड होती है वो इसके अंदर आती है। सो इसका सही आंसर होगा प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। अगर किसी कंट्री की बात की जाए तो उसका सोशल कैपिटल के रूप में किस पॉइंट को लिया जाएगा। मतलब इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा उसका सोशल कैपिटल के पार्ट के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। फर्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन। मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं पॉपुलेशन के अंदर, उनका प्रोपोर्शन बताना है। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स अदर इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीन्स। मशीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स कितनी है उस कंट्री के अंदर। साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप। वर्किंग एज के अंदर कितने पॉपुलेशन है उसका साइज इसके अंदर बताया गया है। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हारमनी इन सोसाइटी। हारमनी का मतलब होता है सामंजस्य। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और एंड हारमनी इन दी सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A service area approach was implemented under the purview of। Service area approach जो है वो किसकी परिधि के अंडर में, इसका मतलब होता है परिधि, किसकी परिधि के अंदर में इंप्लीमेंट किया गया था। इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम, लैंड बैंक स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। इन चारों में से सही आंसर होगा लीड बैंक स्कीम। देखिए SAA मतलब सर्विस एरिया अप्रोच जो है वह RBI के द्वारा अप्रैल 1989 के अंदर लॉन्च किया गया था लेड बैंक स्कीम के इंक्लूजन में। SAA को रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। SAA के अंतर्गत हर एक ब्रांच के अंदर जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया आता है उसमें से लगभग 15 से 25 विलेजेस को कवर करना नेसेसरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the management of mineral minerals in India, consider the following statement. Sand is a mineral mineral according to the prevailing law in the country. State governments have the power to grant mining leases of mineral minerals, but the power regarding the formation of rules related to the grant of mineral minerals lie with the central government. State government has the power to create rules to prevent illegal mining of mineral minerals. इन तीनों में से सही ऑप्शन कौन कौन से हैं हमें बताने हैं। तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट।
A1 and 3. Sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country, and state government have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वह इलीगल माइनिंग को प्रिवेंट कर सकती है, लॉज बना सकती है उसके अगेंस्ट. देखिए सैंड जो है वह माइनर मिनरल इस लॉ के अंतर्गत सेट किया गया था कि माइनर्स में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंतर्गत सैंड को मिट्टी को एक माइनर मिनरल के रूप में घोषित किया गया. Whereas the central government has the power to notify minor minerals and deal with policy and legislation of the major minerals. Let's go to the next question. Consider the following statements. Most of India's external debt is owed by governmental entities. External debt जो होती है उसका मतलब होता है विदेशी ऋण, मतलब विदेश. एक तो होता है जो इंडिया के पर्टिकुलर इंडिया के बीच में अंदर से जो उनका टैक्स या ऋण होता है, और एक इंडिया के बाहर से जो डेब्ट होगा फिर होगा उसे एक्सटर्नल डेब्ट कहेंगे. ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स. सो गाइस इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज टोटल विद द कंट्री ओस foreign creditors such as private banks, foreign governments and international financial institutions like International Monetary Fund, या शॉर्ट फॉर्म में हम उसे लिखते हैं IMF, and World Bank. जो डेब्टर्स हैं या कर्जदार हैं वो या तो स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो सकती हैं या फिर कॉर्पोरेशंस हो सकते हैं, सिटीजन्स हो सकती हैं, इंडिया के भी और बाहर के. इंडिया की जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो सेवरल करेंसीज में डिनोट की जाती है, ना कि सिर्फ यूएस डॉलर्स में. और जबकि यूएस डॉलर का सबसे बड़ा शेयर है इन सभी करेंसीज के. तो इसका सही आंसर होगा डी, नाइदर वन और टू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not included in the assets of commercial bank in India? Assets means होता है संपत्ति. यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया की संपत्ति में इंक्लूडेड नहीं होता है. एडवांसेस, डिपॉजिट्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट्स. इसका आंसर होगा बी, डिपॉजिट्स. देखिए एसेट्स जो कमर्शियल बैंक इंडिया के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके एसेट्स के अंदर यह पांच चीजें आती है, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, एडवांसेस, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड. जबकि जो लाइबिलिटीज हैं कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया की लाइबिलिटीज हैं उसके अंदर कैपिटल रिसोर्सेज, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स और अदर्स. ये उसकी लाइबिलिटीज या फिर इसको हिंदी में कहते हैं देनदारियां या फिर ऋण, यह उसकी लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस. यह पूछ रहा है कि इन सभी फैक्टर्स में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिड्यूस कर सकता है रिस्क को, रिड्यूस कर सकता है करेंसी क्राइसिस के रिस्क को. इनमें से कौन सा है देखें, द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडिया, इंडियाज आईटी सेक्टर, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया अब्रॉड. इनमें से सही ऑप्शन बताना है. रेमिटेंसेस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है भेजा हुआ धन. जो इंडियंस अब्रॉड रहते हैं मतलब NRI, उनके द्वारा भेजा हुआ धन क्या वह करेंसी क्राइसिस के अंदर को रिड्यूस करने में सहायता कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, वन एंड थ्री.
कि फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर, मतलब इंडिया के आईटी सेक्टर से जो फॉरेन करेंसी अर्निंग्स होती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह इम्पोर्ट किए जाते हैं इंडिया के आईटी सेक्टर से, तो उससे जो अर्निंग होती है वह हेल्पफुल हो सकती है, तो कंट्रीब्यूट कर सकती है रिड्यूस करने के लिए करेंसी क्राइसिस को। और रेमिटेंसेस के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? इनमें से किसने यह सजेस्ट किया था कि गवर्नर जो वह एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर स्टेट से के बाहर से बिलोंग करता हो, उसके कोई भी पॉलिटिकल लिंक्स ना हो और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से कोई भी कनेक्शन ना हो रिसेंट पास्ट के। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो कि 1966 में आया था, राजा मन्नार कमेटी 1969, सरकारिया कमीशन 1983 एंड नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। इसका सही आंसर होगा सी, सरकारिया कमीशन। यह कमीशन सेटअप किया गया था जून 1983 के अंदर। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की रिलेशनशिप को एग्जामिन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is issued by registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be a part of the Indian stock market without registering themselves directly? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। Registered foreign portfolio investors, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, registered foreign portfolio investors, इनके द्वारा ऐसा क्या इशू किया जाता है किनको? ओवरसीज इन्वेस्टर्स को, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको ऐसा क्या इश्यू किया जाता है ओवरसीज इन्वेस्टर्स को जिससे कि ओवरसीज इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अपना हिस्सा दे सके, अपने उसमें भागीदारी दे सके। चलिए ऑप्शन देखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट। इनमें से सही आंसर होगा पार्टिसिपेटरी नोट। यहाँ आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी नोट किस तरह कार्य करता है। जैसे कि एक यूके बेस्ड इन्वेस्टर है, उसने एक्स नंबर ऑफ शेयर खरीदे, वह खरीदना चाहता है, ठीक है। फॉरेन ब्रोकिंग हाउस, जो यूके का फॉरेन ब्रोकिंग हाउस है, वह इन शेयर्स को खरीदेगा। उसके बाद में फॉरेन ब्रोकिंग हाउस इंडिया का, यहाँ पर यूके का था, यहाँ पर इंडिया, तो इंडिया इन शेयर को खरीदेगा, नेक्स्ट शेयर ये रहे, और उसके बाद में यह रिटर्न होता हुआ कंफर्मेशन ऑफ शेयर्स परचेज कंफर्म हो जाता है इंडिया से, उसके बाद में यूके से कंफर्म होने के बाद में इशू यूके का जो फॉरेन ब्रोकिंग हाउस है वह पार्टिसिपेटरी नोट इशू करता है एक्स शेयर्स उसके अंदर जो होते हैं वह उस इन्वेस्टर को इशू करता है। कौन? यूके का ब्रोकिंग हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एज पर लॉ द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट्स एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी in the compensatory afforestation program carried out under the compensatory afforestation fund act 2016। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है हमें यह बताना है। दूसरा, पहले ऑप्शन में यह कहा जा रहा है कि जो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैंपा भी कहते हैं, यह एग्जिस्ट करती है बोथ नेशनल और स्टेट लेवल के ऊपर। दूसरे ऑप्शन में यह बोला जा रहा है कि पीपल का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी यानी कंपलसरी होता है इस प्रोग्राम्स में, ऐसे प्रोग्राम्स में जो अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम यह अथॉरिटी चलाती है, ठीक है।
इनमें से सही ऑप्शन बताना है आपको। सही ऑप्शन होगा ओनली वन। यहाँ से देखें दोस्तों, ए कैंपा एक ऐसी अथॉरिटी है जो सेटअप की गई थी बहुत सेंट्रल और स्टेट लेवल्स के ऊपर। उसका रीजन यह था कि जो फॉरेस्टेड लैंड है जो कि नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डेवलप किया जा रहा है, उसके लिए जो फंड्स एकत्रित होते हैं उनका शीघ्र और पारदर्शी रूप से उनको यूटिलाइज किया जा सके। उन फंड्स को जो फॉरेस्टेड लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट करने पर तो इकट्ठे किए जाते हैं फंड्स। यहाँ पर एक शब्द है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। इसका यह मतलब होगा, एफोरेस्टेशन होता है कि जंगलों को खत्म करना या पेड़ों को काटना। सो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन का मतलब होगा फंड्स उस कंपनी से कलेक्ट किए जाते हैं जिसको लैंड फॉरेस्टेड लैंड दिया जा रहा है अब नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए। मतलब वो कंपनी वो फंड पे करेगी गवर्नमेंट को या फिर जो अथॉरिटी है जिन्हें यह फॉरेस्टेड लैंड दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू independent regulators in sectors like telecommunication, insurance, electricity, etc. इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंडिया के अंदर इनमें से कौन सी ऐसा पॉइंट है या कमिटी है या समिति है जिसके अंदर जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के रूप में काम कर रही है। कौन से फील्ड में? टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ad hoc committees set up by the parliament, parliamentary committees, department or relating standing committee, finance commission, financial sector legislative reforms commission or niti aayog। इनमें से सही आंसर होगा ad hoc committees set up by the parliament। यहाँ हम सब जानते हैं कि ad hoc committees ऐसी committees होती हैं जो temporary basis पे set की जाती हैं parliament के द्वारा, जबकि स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वह ईयरली या एनुअली पर्पज से सेट की जाती है। मतलब वन ईयर में सेट की जाती है। तो इनमें से एड हॉक कमेटीज जो है वह इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के रूप में काम करती हैं टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, इन सभी सेक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन भी ट्रू होगा तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। इसमें पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं वह भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स के रूप में काम करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। विद रेफरेंस टू द इंडियाज फाइव ईयर प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन फाइव ईयर प्लान्स को डिस्क्राइब किया गया है, सेकंड फाइव ईयर प्लान, फोर्थ फाइव ईयर प्लान और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। इन स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद हमें सही ऑप्शन चूज करना है। इसका सही ऑप्शन होगा ए वन एंड टू ओनली। मतलब ये दोनों करेक्ट हैं जबकि ये रॉन्ग है। देखिए, जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था उसने प्रायोरिटी दी थी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन। फाइव ईयर प्लान के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। सबसे पहला फाइव ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में वह 1951 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से लेकर के आज तक 12 फाइव ईयर प्लान आ चुके हैं और 2017 के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार और एनडीए की सरकार ने इसे खत्म कर दिया था। फाइव ईयर प्लान की जो है स्कीम थी जो रशिया से ली गई थी इसे 2017 में खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. Second, an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. पहला ऑप्शन यह कह रहा है कि किसी भी हाई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन के अंतर्गत यह नहीं आता कि वह किसी भी सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड घोषित करे। दूसरे ऑप्शन में यह बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता या इंटरोगेट नहीं कर सकता। तो इनमें सही आंसर होगा डी, नाइदर वन एंड टू, दोनों में सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर इंडिया इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इनमें से सही ऑप्शन बताना है हमें। देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है यह एक थ्योरेटिकल एक्सचेंज रेट है जो अलाउ करता है सेम अमाउंट ऑफ गुड्स बाय करने के लिए अलग अलग कंट्रीज के अंदर, मतलब अलग अलग जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, उन्हें सेम अमाउंट पर बाय करने के लिए ये पीपीपी जो एक तरह का एक्सचेंज रेट है वह अलाउ करता है। पीपीपी एक थ्योरेटिकल रेट है क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ने इसको आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है और लागू नहीं किया है। इट इज ओनली यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज टू कंपेयर द आउटपुट ऑफ कंट्रीज दैट यूज डिफरेंट एक्सचेंज रेट। इन अदर वर्ड्स, इट बेसिकली डिस्क्राइब्स व्हाट वुड अ थिंग कॉस्ट इफ इट वाज सोल्ड इन द यूएस डॉलर्स। जो पीपीपी रेट है उसे कैलकुलेट करने का जो हक है वो वर्ल्ड बैंक करता है। देखिए, पीपीपी जो है वह इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी किसी कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज की और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बीच में कंपैरिजन बताता है कैसे किस तरह होंगे। पीपीपी के बेस पर चाइना जो है वह फर्स्ट पोजीशन पे है 2018 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सेकेंड नंबर पर था यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया जो है वह थर्ड नंबर पर था, ना कि सिक्स नंबर पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ओनली वन। हमारी थर्ड क्वेश्चन क्या था, विद रिफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट फाइव इयर्स। लास्ट पांच सालों में खरीफ क्रॉप जो उगाई गई है इंडिया में का कल्टीवेशन किया गया है उसके बिहाफ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को रीड कीजिए। एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जोवार इज मोस्ट मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। एरिया अंडर द शुगर केन कल्टीवेशन हैज सडनली डिक्रीज्ड। इनमें से सही ऑप्शन बताना है हमें। तो सही ऑप्शन होगा ए, 1 and 3 only. Area under the rice cultivation is the highest. यहाँ हम सभी जानते हैं कि इंडिया के मोस्ट की पार्ट्स में राइस की कल्टीवेशन की जाती है और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन राइस कंज्यूम करती है। और थर्ड पॉइंट भी सही है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि कॉटन कल्टीवेशन का जो एरिया है वह शुगर केन के कल्टीवेशन से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? इस सवाल में यह पूछा जा रहा है कि agriculture commodities जो import की गई हैं last 5 years के अंदर, उसमें से सबसे ज़्यादा imports, highest import in terms of value, value की terms में किसका था? तो ऑप्शन देखते हैं, spices, fresh fruits, pulses, vegetable oils. इनमें से राइट ऑप्शन होगा वेजिटेबल ऑयल्स का। इसका इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हाईएस्ट एक्सपोर्ट था लास्ट 5 इयर्स में वेजिटेबल ऑयल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन
the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? यह क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि पॉलिटी के संदर्भ में, पॉलिटी के संदर्भ में डेफिनेशन स्वतंत्रता लिबर्टी की डेफिनेशन क्या होगी, सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन आपको कौन सी लगती है पॉलिटी के संदर्भ में? ऑप्शन देखते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर यू लाइक, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। इनमें से सही ऑप्शन होगा बी, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मतलब होता है अंकुश। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप अगले 25 क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।